नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। मैं हूँ आपका दोस्त शुभम शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर से केमिस्ट्री के कुछ MCQs जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आज हम जो बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। ये क्लास 12th का 10th चैप्टर है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 10th चैप्टर जो है आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। उससे पहले यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। कोई भी अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आपके लिए जो है सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। कोई भी एग्ज़ाम है चाहे आपका, चाहे HPSSC के अंतर्गत है, चाहे HP गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंतर्गत है, HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, HP पुलिस कॉन्स्टेबल, HP पटवारी, HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको जो है फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, फ्री डेमो टेस्ट भी मिल जाएंगे, फ्री डेली डोज भी मिल जाएगा, न्यूज़ भी मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर्स भी फ्री मिल जाएंगे विद PDF फॉर्म फॉर्मेट में। आपको सबसे पहले तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है इसका ऐप का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जो ये टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए स्पेशल बनाई है। 20 मॉक टेस्ट इसमें होंगे, 20 टेस्ट सीरीज होंगी इसमें, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, और 299 रुपीज़ की जो है टेस्ट सीरीज है। लेकिन जैसे ही आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये 50% ऑफ हो जाएगा और आपको 140 to 150 रुपीज़ की जो है टेस्ट सीरीज पड़ेगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको और परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द IPEC नेम ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का IPEC नेम क्या होता है? सबसे पहले विनाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, वो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है विनाइल क्लोराइड का, ठीक है। अब इसका जो है नेम क्या होगा, 1, 2 दो कार्बन है, इथेन हो सकता है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इथेन लगेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, क्लोरो इथीन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए क्लोरो इथाइन दिया हुआ है, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, ये बन गया आपका क्लोरो इथाइन। इसको बोलते हैं हम एसिटाइलिन, ठीक है, या फिर क्लोरो एसिटाइलिन बोलते हैं, ठीक है, ये जनरली याद रखना है। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन में आपका CH3Cl क्या बन गया, इसको मिथाइल क्लोराइड बन गया ये, ठीक है। फिर आपका ये आता है ब्रोमोइथेन, इथाइल ब्रोमाइड, क्या बना ये, इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br। यहाँ पे विनाइल क्लोराइड का जो IPEC नेम है वो आपका बी ऑप्शन क्लोरोइथेन राइट आंसर है, इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरो इथाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो क्लोरो इथाइन है वो किसका प्रोडक्ट है। तो जनरली हम जब क्लोरो इथाइन बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे क्लोरो इथाइन, क्लोरो एसिटाइलिन भी बोल देते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो जनरली ये इथाइन ग्रुप है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा हेलो एल्केन ही होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हेलो एरिन क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें एरिन्स में रिंग्स होती है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर देखना है। थर्ड क्वेश्चन है IPEC नेम बताना है आपको इस कंपाउंड का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं BR से, फिर आपके पास CH2 और BR के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर आपका C, फिर आपका क्या आएगा CH3, ठीक है। वैसे ये कंपाउंड मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं CH3 और CH3 लगा देते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो नंबरिंग में क्या आएगा 1, 2, 3, 1 ब्रोमो 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमो 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ थायोनाइल क्लोराइड
एंड हेलोजन एसिड्स विद द हेल्प ऑफ। अगर हेलो एल्केन्स को हम प्रिपेयर करते हैं किसकी प्रेजेंस में, थायोनाइल क्लोराइड और हेलोजन एसिड्स की प्रेजेंस में, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए हेलो एल्केन्स के प्रिपेयर करने के लिए? तो हमें चाहिए अल्कोहल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे CH3OH ले लेते हैं और कोई हेलोजन एसिड ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें एक हेलो एल्केन मिलता है। ठीक है, तो हमें अल्कोहल की जरूरत पड़ती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रोपीन की जो जरूरत है वो जनरली जो है आपका मार्कोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में पड़ती है। ठीक है, ये याद रखना है। इफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड गिव्स वन ब्रोमोप्रोपेन द रिएक्शन इज, अगर जो प्रोपीन है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमें वन ब्रोमोप्रोपेन देता है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? तो जनरली याद रखना कि पेरोक्साइड पूछा गया है तो पेरोक्साइड जहाँ पर है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड, वो आपका पेरोक्साइड इफेक्ट होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट यानी कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, तो उसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में प्रोपीन से वन ब्रोमो प्रोपेन बनता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और जो मार्कोनिक ऑफ रूल होता है उसमें प्रोपीन से टू ब्रोमो प्रोपेन बनता है, तो जो टू ब्रोमो प्रोपेन है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और वन ब्रोमो प्रोपेन आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल यानी कि माइनर प्रोडक्ट होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। थर्ड रिएक्शन देखिए, हंसडिकर रिएक्शन। इसमें कोई सिल्वर सॉल्ट लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमें ये हेलो एल्केन भी देता है और सिल्वर ब्रोमाइड भी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। अब उसी तरह से डायोएज़ोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन होती है एनिलीन से, किससे, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन होती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। इसके आंसर आपको लास्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट फॉर्म क्लोरोबेंजीन, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो क्लोरोबेंजीन को फॉर्म नहीं करता? तो देखिए, एनिलीन भी करता है क्योंकि एनिलीन से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं और बेंजोन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, तो बेंजोन डाइजोनियम क्लोराइड भी बनाता है लेकिन प्रोपेन जो है वो क्लोरोबेंजीन नहीं बनाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट में से एक क्वेश्चन आना ही है, इनमें से किसका जो है हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट है? तो सबसे पहले सी से CCl4 देखते हैं। CCl4 का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हम बनाते हैं आइसोमर्स में, ठीक है, तो देखिए ये आमने सामने एक दूसरे को अपोजिट हो गए तो ये चार्जेस जो बॉन्ड्स जो है कैंसिल कर देता है, तो जो इसका CCl4 का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। अब यहाँ पे CHCl3 देखते हैं, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, ठीक है, CHCl3, ठीक है, जो अपोजिट होंगे एक दूसरे के तो वो तो अपना बॉन्ड कैंसिल आउट कर देंगे, जो अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है, जैसे सेम सेम है ना यहाँ पे CCl, ठीक है, तो ये तो आपका अपना बॉन्ड कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ClCH है तो ये अपना बॉन्ड कैंसिल नहीं करेंगे, तो यानी कि इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड एंगल जो है, डाइपोल मोमेंट जो है वो CCl4 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे तीसरा देखिए CH2, ठीक है, Cl2, तो ये अपोजिट नहीं है एक दूसरे के तो ये कैंसिल नहीं करेंगे अपने बॉन्ड को, तो इसका जो है बॉन्ड एंगल डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका सबसे ज़्यादा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिएक्शन इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए एक रिएक्शन लगती है, उसका नाम है बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन में होता क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फ्लोरोबोरिक एसिड बनाया जाता है, फ्लोरोबोरिक एसिड को हीट करके हम जो है फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर यह याद रखना है कि बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन जो है रिएक्शन फॉर फ्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन, डी ऑप्शन इसका
राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन आपको याद रखनी है, मैंने पहले भी बताई आपको कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम कॉपर और HCl की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। क्या किस में कन्वर्ट करते हैं? क्लोरोबेंजीन में, या फिर HBr की प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सैंडमियर रिएक्शन में याद रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट किया जाता है HBr के थ्रू। तो यहाँ पे बाल्स्कीमन रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज इन द रिएक्शन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिल्वर सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो किस रिएक्शन में यूज़ होता है? तो वो आपका रिएक्शन में यूज़ होता है हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए, हंट्स डिकर रिएक्शन में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो जनरली sp3 होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो आपका हेलो एरेंस होते हैं उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपकी sp2 होती है। ठीक है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, मान लो ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पर, तो वहाँ पे जो है sp हाइब्रिडाइज होगी हेलो एल्काइंस, एल्काइंस वगैरह में। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो ये आपकी जो आंसर की है यहाँ पे दी भी मैंने, इसको आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद। सो यहाँ पे आप देखना ना भूलें परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले GK Trick 50 कोड यूज़ करना है आपको, 50% ऑफ मिल जाएगा। जय हिंद।